उधर दहशतगर्दी की कार्रवाई में ये 7 पाकिस्तान फौज के 2 आला अफसरान और 5 जवान जो हैं ये शहीद हुए हैं। उधर शुमाली वजीरिस्तान में ये दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में, तो ये उसमें कस्बा टम्मन ये इधर तलागंग में, तो ये उसके कैप्टन अहमद बदर ये भी इन्होंने जामे शहादत नोश किया। और 23 साल कैप्टन नौजवान ये हम आपको उनका फाइल फोटो दिखा रहे हैं, तो ये अहमद बदर भी इस दहशत गर्दों के साथ ऑपरेशन में जवान बर्दी से उनका मुकाबला करते हुए 6 दहशत गर्द भी इन्होंने मारे हैं। तो 12 ये एक और सपूत इधर चकवाल तलागंग का मादरे वतन पे कुर्बान हो गया, तो ये कैप्टन अहमद बदर का हम ये फाइल फोटो, तो ये इनकी अभी जनाजा नमाज जनाजा उधर बन्नू कैंट में अदा कर दी गई है। और अभी यही बताया जा रहा है कि कल कस्बा टम्मन में, अभी दिन तो बरनी अंदाजन यही है 10 या 11 बजे, ये पूरे फौजी अदाज के साथ इधर कस्बा टम्मन में अहमद बदर को उद्देखा किया जाएगा। तो ये कैप्टन अहमद बदर, इनके वालद भी कर्नल रिटायर्ड बदर हैं, उनका तलक टम्मन से है, तो ये उनका जुआ खाला कर्नल बदर का ये बेटा कैप्टन अहमद बदर ये मादरे वतन पे कुर्बान हुआ है। तो बहरहाल ये हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये जनाजा के नुमादे जनाजा उधर बन्नू कैंट में तो अदा कर दी गई है, और अब पूरे फौजी एजाज के साथ इधर कस्बा टम्मन में ये कल 17 मार्च ये इतवार के रोज इधर कैप्टन अहमद बदर को इधर कस्बा टम्मन में उनके अबाई कब्रस्तान में उद्देहाग किया जाएगा।